आज हम एकदम अलग और खास मसाला चावल बनाएंगे जो विटामिन ए से भरपूर है, बहुत ही कम स्पाइसी है, बहुत ही कम ऑयली है और टेस्ट में सिंपली सुपर्ब है। दोस्तों, ये गाजर और मसालों की मंद मंद सुगंध वाले हेल्दी चावल आप एक बार बनाओगे ना तो हर रोज बनाने को मन करेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, पहले चावल को तैयार करते हैं। ये रेसिपी में आज मैं बिरयानी के चावल यूज करूंगा। ये देखिए, ये चावल थोड़े कम पॉलिश किए हुए हैं, इसीलिए एकदम सफेद नहीं है। ये लगभग 2 साल पुराने चावल है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है चावल हमेशा पुराना ही खाना चाहिए। पुराना चावल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये कम पॉलिश वाले बिरयानी चावल चिपचिपे नहीं बनते और हमने ये चावल को थोड़ा दिवेल लगाकर स्टोर किया है, इसीलिए इसमें कीड़े लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। कैरेट राइस बनाने के लिए चावल 1 कप लिया है। आप इस चावल की जगह पे अपनी पसंद के कोई भी बासमती चावल इस्तेमाल कर सकते हो। चावल को अच्छे से 4-5 पानी से धो लीजिए, फिर इसे भिगोकर आधा घंटा रख देंगे। आधे घंटे के बाद एक बड़े बर्तन में लगभग 2 लीटर पानी उबालेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। चावल को लगभग 90% तक पका लेंगे, ओवरकुक नहीं करेंगे। और चावल हो गए हैं, सारा पानी निकालकर चावल को ठंडा कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए गाजर 250 ग्राम लेंगे। गाजर को छील कर रख लेंगे। पंद्रह से 20 करी पत्ते, 4 हरी मिर्च लेंगे, 3 लौंग लिए हैं, दालचीनी के 1 इंच के 3 टुकड़े लिए हैं, हरा धनिया 2 टेबलस्पून और नमक स्वाद के हिसाब से लेंगे। एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल गरम करके लौंग और दालचीनी डालेंगे। हरी मिर्च को लंबे टुकड़ों में काट कर डालेंगे। अब डालेंगे करी पत्ते। चलिए अब गाजर को डाल देते हैं। इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। एक खास बात यहां पर ध्यान रखिए, गाजर को तब तक भुनेंगे कि जब तक कच्चे गाजर की खुशबू चली ना जाए। गाजर अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए, हमारे चावल भी ठंडे हो गए हैं, एकदम खिले खिले हैं। अब इसमें चावल मिलाकर हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। 3-4 मिनट के बाद चावल तैयार हो जाएंगे। लौंग, दालचीनी, करी पत्ता की मंद खुशबू वाले ये चावल खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये चावल को आप दाल के साथ, सब्जी के साथ या रायता के साथ खाइए, ये बहुत अच्छे लगेंगे। ये कैरेट राइस रोज खाने को मन करेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। सभी के जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे, यही मंगल कामना।